ऑल राइट, तो हम लोग डिकेज पढ़ रहे थे एंड लास्ट थिंग वी डिस्कस वाज गामा डिकेज, राइट। और गामा डिके में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है एक्साइटेड स्टेट में बनता है और फिर वो डीएक्साइट होता है। तो जैसे उसमें एनसीआरटी का एग्जांपल क्या था, कोबाल्ट 27 वाज गेटिंग डीएक्साइटेड ट्वाइस, दो इंटरमीडिएट स्टेट से जाके फिर फाइनली निकेल 60 बनता है, कोबाल्ट 60। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना है। अभी क्या है, गामा डिके से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, जनरली गामा डिके इज फॉलोड बाय व्हाट, जनरली अल्फा डिके के बाद गामा डिके होता है, बीटा डिके के बाद गामा डिके होता है। डायरेक्टली स्टेबल स्पीशीज से सीधे नहीं होता है, यानी गामा डिके से रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ स्पीशीज या नेचुरली अर्थिंग स्पीशीज से सीधे गामा डिके नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, देखो इरोडो 6.236, अल्फा डिके ऑफ पोलोनियम 210 न्यूक्लियाई इन द ग्राउंड स्टेट इज अकंपनीड बाय एमिशन ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी 5.3 एंड 4.5 MeV। एक चीज समझना, दो तरह के अल्फा पार्टिकल्स क्यों निकल रहे हैं, कल मैंने दिखाया था इसी तरह की चीज हो रही थी रेडियम से जब रेडॉन बन रहा था, दो तरह के अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। वो कैसे निकल रहे थे, एक तो डायरेक्ट डीएक्साइटेशन हो सकता है, एक हो सकता है इंटरमीडिएट स्टेट से फिर डीएक्साइटेशन हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इसके करेस्पॉन्डिंग, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल की इतनी एनर्जी है तो ये क्यू वैल्यू नहीं है, क्यू वैल्यू से ज्यादा होगी, इज इट नॉट। हम निकाल सकते हैं अल्फा पार्टिकल की अगर एनर्जी पता है तो तुम्हें पता है अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो टोटल क्यू वैल्यू के इनवर्स रेशियो मासेस में बटने के बाद इतनी एनर्जी है, तो क्यू वैल्यू विल बी मोर देन दैट। बात समझ आ रही है सभी को, 5.3 इज नॉट द क्यू वैल्यू, इसी तरह से 4.5 इज नॉट द क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू विल बी मोर देन दैट। वो प्रोपोर्शनैलिटी यूज करके निकाल सकते हैं, क्यों, ये तो अल्फा पार्टिकल एनर्जी है ना, तो डॉटर भी तो कुछ ले जाएगी, बात समझ आएगी, तो उससे टोटल क्यू वैल्यू मिल जाएगी। और टोटल क्यू वैल्यूज का जो डिफरेंस है इस वाले रिएक्शन और इस वाले रिएक्शन में, क्यू वैल्यूज का जो डिफरेंस है दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द गामा फोटॉन। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा क्या चल रहा है इधर, ठीक है ना। तो सीधे अल्फा पार्टिकल की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करके गामा फोटोन की एनर्जी मत बोल देने, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट द क्यू वैल्यू। अब क्या है, अब क्या पूछ रहे, देखो फॉलोइंग द एमिशन ऑफ दीज पार्टिकल द डॉटर न्यूक्लियाई फाउंड इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। वो अंडरस्टूड था, नहीं भी बोलता तो हमें समझ में आ जाता, क्योंकि दो एनर्जीज निकल रही है यानी एक एक्साइटेड तो एटलीस्ट वन हैज टू बी एक्साइटेड, राइट। ओके, फाइंड द एनर्जी ऑफ द गामा क्वांटा एमिटेड बाय द एक्साइटेड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो कैसे करोगे इसमें, तो देखो मैंने क्या लिखा, अल्फा डिके में एनर्जी रिलीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस, तो ई अल्फा क्या होगा, क्यू वैल्यू इनटू मास ऑफ डॉटर डिवाइड बाय मास ऑफ डॉटर प्लस मास ऑफ अल्फा, मेकिंग सेंस, राइट। इसको रीअरेंज करके मैं क्यू वैल्यू निकालूंगा, तो क्यू वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + m α बाय m डॉटर इनटू एनर्जी ऑफ अल्फा, ठीक है। पहले रिएक्शन के लिए ये कैलकुलेट करोगे तो डॉटर का मास जो है 206 होगा, अल्फा निकलेगा तो 206 होगा, तो 1 + 4/206 × 5.3, समझ में आ रहा होगा, ये पहले रिएक्शन की क्यू वैल्यू आ गई। इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन की क्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 4/206 × 4.5। अभी डिफरेंस जो है वो मेरा गामा फोटोन की एनर्जी होगी, तो डिफरेंस अगर निकालूंगा मैं तो देखो अब बस सब्ट्रैक्ट करना है, 1 + 4/206 तो कॉमन फैक्टर ही है, × 0.8 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करोगे तो 0.82 MeV आ गया, तो दैट मीन्स दिस मस्ट बी द एनर्जी ऑफ गामा फोटोन। अब इसमें तुमको एक डाउट ये आ सकता है कि सर आपने ये बोल दिया कि ये इनका जो एनर्जी का डिफरेंस वो सारा का सारा गामा फोटोन का एनर्जी क्यों है, क्योंकि अगर गामा फोटोन निकल रहा है तो उसकी रिकॉइल मोमेंटम की वजह से जो डॉटर है उसके अंदर भी तो कुछ एनर्जी जाएगी। लेकिन इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, मैंने क्या बोला था, जब भी गामा डिके होता है तो प्रैक्टिकली सारी की सारी एनर्जी गामा फोटोन ले जाता है, क्यों, क्योंकि डॉटर जो है वो तो बहुत ही ज्यादा मैसिव है और एनर्जी कितनी होती है, मटेरियल पार्टिकल्स की एनर्जी होती है p²/2m, तो m बहुत ही लार्ज है, ठीक है नहीं। तो पोलोनियम के डिके बाद जो भी 206 बन रहा है वो बहुत मैसिव है, तो इसलिए वो नेग्लिजिबल एनर्जी ले जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली जितनी भी ये वैल्यू आई है मेरी, डिफरेंस ऑफ द टू क्यू वैल्यूज जो आया है, दैट मस्ट बी एंटायर एनर्जी ऑफ द गामा फोटॉन। समझ में आया सभी को, एक बार अच्छे से पढ़ लो, कुछ डाउट है तो मेरे को बोल दो। अगला क्वेश्चन देखते, क्या क्वेश्चन है हम लोगों का, पासिंग डाउन टू द ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड सिल्वर 109 न्यूक्लियाई एमिट आइदर गामा क्वांटा विद एनर्जी 87 KeV और के कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स उस बाइंडिंग एनर्जीज 26 KeV, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी यहाँ पे समझना हो क्या रहा है, यहाँ पे या तो गामा फोटोन निकल रहा है, ठीक है। अब सोचो क्या हो सकता है, गामा फोटोन जो है वो क्या करेगा, के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकता है, राइट। तो अगर के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं किया तब तो गामा फोटोन ही नजर आएगा तुमको, राइट। और अगर के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया तो तुमको इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, गामा फोटोन एब्जॉर्ब हो चुका है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो वो किसी काइनेटिक एनर्जी से जा रहा होगा। वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से जा रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन की कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी ना के शेल इलेक्ट्रॉन की,
तो बाइंडिंग एनर्जी सब ट्रैक्ट हो जाएगी, उसके अलावा बची हुई एनर्जी से वो आगे जा रहा होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या करोगे, गामा फोटोन की एनर्जी पता है, ठीक है, इसमें से क्या करोगे, बाइंडिंग एनर्जी सब ट्रैक्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई तो बस उसको हाफ एमवी स्क्वायर से इक्वेट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है इधर? इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। दो चीजें हो सकती है, या तो गामा फोटोन सीधे एस्केप कर सकता है, या गामा फोटोन डायरेक्टली ना एस्केप करके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले रहा हो गामा फोटोन और आयनाइज हो जा रहा है, तो वो केशल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। यानी केशल इलेक्ट्रॉन जब दूर जा रहा है न्यूक्लियस से तो बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी उसमें से, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी विद द न्यूक्लियस। तो अभी समझ में आई? अगर कुछ मैं इसको ट्राई करो 2 मिनट, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? ट्राई ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर सम टाइम। हाँ तो डिस्कस कर देते, वही जैसे मैंने समझाया था वही कैलकुलेशन लिखती है, जल्दी से पढ़ता हूँ। हियर गामा फोटोन एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड इन नॉकिंग आउट केशल इलेक्ट्रॉन्स। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी द डिफरेंस इन गामा फोटोन एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द केशल इलेक्ट्रॉन। मेकिंग सेंस राइट? दस केई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, अगर गामा फोटोन डायरेक्टली निकलता है तो 87 केईवी है, और इसमें से बाइंडिंग एनर्जी माइनस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी, राइट? ठीक है, तो ये कितना आता है, 87 केईवी माइनस 26 केईवी, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिटी पे, राइट? अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अब मेरे को ये सोचना है कि ये रिलेटिविस्टिक मेरे को लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिक्स के फॉर्मूले अलग हो जाते हैं रिलेटिविस्टिक में और नॉन रिलेटिविस्टिक में। तो क्या कैसे डिसाइड करते हैं कब रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन करनी है, कब नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन करनी है? तो रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी है, 511 केईवी होती है ना, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 61 केईवी। तो ये जो 61 केईवी है ये ठीक ठाक छोटा है 511 केईवी से, ठीक है? तो यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक भी करोगे तो ठीक ठाक रिजल्ट आ जाएगा। तो जनरली लेकिन क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर तो काइनेटिक एनर्जी कंपेरेबल टू द रेस्ट मास एनर्जी है तब रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन करनी चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मच मच लेस देन 511 केईवी है तो नॉन रिलेटिविस्टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मच मच लेस भी नहीं है, ये 10% के करीब है एक्चुअली, है ना? लेकिन फिर भी इरुडो का जो आंसर मैच करता है वो नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन से ही मैच करता है, हालांकि मैं दूसरा भी करके दिखा दूंगा। जेई के पर्पज से कभी भी तुम्हें रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि रिलेटिविटी सिलेबस में ही नहीं है। ऑल्दो मैं करके दिखा दूंगा दूसरी कैलकुलेशन भी, ठीक है? हाँ यहीं पे अगर एनर्जी मान लो तुम्हारी होती 500 के, ये रेस्ट मास एनर्जी मान लो इससे 10 टाइम्स आ जाती, मान लो 5 MeV भी आ जाता लेटर से फॉर एग्जाम्पल, या फिर मान लो 1000 KeV भी आ जाता, तो फिर तो रेस्ट मास एनर्जी के कंपेरेबल हो जाती है ना काइनेटिक एनर्जी, तब रिलेटिविस्टिक लगाना कंपलसरी हो जाता, नहीं तो बहुत ज्यादा फैक्टर से ऑफ आते हैं मेरे रिजल्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ आएगा अगर नॉन रिलेटिविस्टिक लगाऊंगा, क्योंकि ये 10% है करीब इसका, राइट? तो आप तो क्या करना है, बस इसको हाफ एमवी स्क्वायर से इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, राइट? तो रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखा मैंने, 511 KeV, एंड काइनेटिक एनर्जी इज अबाउट 10% ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी, सो वी विल गेट अप्रोक्सीमेटली करेक्ट रिजल्ट इवन विदाउट यूजिंग रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले, ठीक है? दो वी विल डू बोथ टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। तो पहली कैलकुलेशन तो नॉन रिलेटिविस्टिक करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 61 KeV है, इसको हाफ एमवी स्क्वायर से इक्वेट कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे भी देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी वेजी में मत डाला करो, जहां तक हो सके इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही काम करना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकाल, कैसे पता, तो इसकी एनर्जी पता है ना 511 KeV, तो इसके मास को लिखो 511 KeV बाई सी स्क्वायर, समझ गया कि नहीं? सो दैट यू कैन कैंसिल केईवी विद केईवी एंड यू गेट अ सिंपल कैलकुलेशन, राइट? जहां तक हो सके एनर्जी मास ये सब चीजें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डाल के कैलकुलेशन करनी चाहिए, बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कैंसिल हो जाए, ठीक है? नहीं तो केजी डाल दिया तो फिर बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में फंसोगे। बस इसको यूज करके आप कैलकुलेट करना है, तो ये सी रूट 122 बाय 511 आता है, विच इज 1.47 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो ये तो हो गया मेरा नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन, यही आंसर है इरुडो का जो नॉन रिलेटिविस्टिक है, ऑल्दो रिलेटिविस्टिक भी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन में क्या होता है, जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इज द रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो ये जो हो गई मेरी क्या हो जाएगी, 61 KeV मेरी काइनेटिक एनर्जी है, जब वो निकल गया तो 61 KeV तो मेरी काइनेटिक एनर्जी आ रही है, और रेस्ट मास एनर्जी कितनी है 511 KeV, तो ये टोटल एनर्जी कितनी आ गई, इन दोनों को ऐड किया तो 572 KeV टोटल एनर्जी हो गई मेरी, राइट? ठीक है, जो कि एमसी स्क्वायर के बराबर होती है, ध्यान रखना एमसी स्क्वायर में जो एमसी स्क्वायर होता है वो सब तरह की एनर्जीज को इंक्लूड करता है, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, रेस्ट मास एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी माइनस कर देते तो काइनेटिक एनर्जी बचती है, समझ गए? तो ये जो एनर्जी है ये मेरा एमसी स्क्वायर के बराबर है, राइट? यानी और मास को क्या लिख सकते हैं, एम नॉट अपन अंडर रूट ऑफ 1 - v² / c² × c² दैट इज 572 KeV। अब वापस एम नॉट को डाल दो 511 KeV पर c²
और फिर उसके बाद सॉल्व करोगे तो v बाई सी की जो वैल्यू आती है वो तुम्हारा ये आ जाता है 1.35 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो मतलब समझ रहे हो, यानी वहां पे क्या था 1.47 आया था, यहाँ पे 1.35 आया, तो वापस यहाँ पे वही कह लो 10% का गड़बड़ था, यहाँ पे भी 10% टाइप की गड़बड़ आई है, लेकिन ठीक है ये दिस इज मोर एक्यूरेट समझ ले, क्योंकि 61 KeV जो है 511 के मुकाबले इतना भी छोटा नहीं है। लेकिन क्या है, जब भी जेई के कॉन्टेक्स्ट में होगा मेरे को नहीं लगता कहीं पे भी वो रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन ही करनी है, इरुडो का भी आंसर इसी से मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, इरुडो आंसर इज ऑलमोस्ट मैचिंग विद द नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन, शायद उन्होंने 1.46 दिया है जहां तक मेरे ध्यान। इफ काइनेटिक एनर्जी इज कंपेरेबल टू रेस्ट मास एनर्जी रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशंस आर यूज्ड, हाउएवर इफ काइनेटिक एनर्जी इज मच मच लेस देन द टोटल एनर्जी नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन डू अ फेयरली गुड जॉब, इन अवर केस वी गेट एन एरर ऑफ अबाउट 9%। तो 9% की एरर है रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक में, ठीक है। लेकिन ये करना कभी भी नहीं है, ठीक है, बट बता दिया जस्ट इन केस कोई कॉम्प्रिहेंशन दे रहा तो ऑन द स्पॉट समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने रिलेटिविस्टिक भी बता दिया कि कैसे करते हैं कैलकुलेशन में। ऑल राइट, समझ में आ गया ये सभी को, कोई डिस्कशन तो नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ एंडो एर्गिक रिएक्शंस। तो एंडो एर्गिक रिएक्शन क्या होता है, एंडो एर्गिक रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। एनर्जी कंज्यूम कब होगी, जब फाइनल मास जो होगा मोर देन द इनिशियल मास होगा, राइट। यानी सम काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी कन्वर्टेड टू मास। नॉर्मली तो क्या, एक्सोर्गिक में मास इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी कन्वर्टेड टू एंडोर्गिक जो रिएक्शंस होंगे। तो अभी काइनेटिक एनर्जी को मास में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो जनरली क्या होगा, एक मेरे पास टारगेट होगा और एक मेरे पास प्रोजेक्टाइल होगा। प्रोजेक्टाइल आके टारगेट को हिट करेगा, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ये टारगेट है, इसको आके किसी प्रोजेक्टाइल ने हिट किया, ठीक है। प्रोजेक्टाइल ने इसको आके हिट किया तो अभी मेरे पास क्या इंटरमीडिएट बन गया, जो कि अंदर उसके पेट में गड़बड़ चालू है उसके, समझ गए कि नहीं, इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड है। उसके बाद हो सकता है ये फिर स्प्लिट करके कोई दो नए प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि न्यूट्रॉन एनर्जी मोमेंटम के साथ आया था, तो जब ये स्प्लिट होगा भी तो भी मुझे पता है कि ये दो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे दे विल नॉट बी एट रेस्ट, ये जो होंगे इनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इज इट नॉट। या फॉर दैट मैटर फॉरगेट आगे की प्रोसेस को भूल भी जाए, खाली यहीं तक अगर मैं बात करूं, तो जब न्यूट्रॉन इसके अंदर घुस गया तो इसके अंदर ऑलरेडी मोमेंटम आ गया, राइट। सो दैट मींस व्हाट, तुमको जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है दैट इज नॉट ओनली टू क्रिएट द मास बट ऑल्सो टू अकाउंट फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। तो इसलिए मेरे को जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्यू वैल्यू से ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि क्यू वैल्यू तो खाली मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस है, राइट। सो यू हैव टू गिव मोर एनर्जी देन द क्यू वैल्यू, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं, ठीक है। हाँ, अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बात करूं तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जीरो मोमेंटम फ्रेम, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक्जैक्टली क्यू वैल्यू के बराबर दो तो चल जाएगा, इज इट। तो हम क्या करेंगे कैलकुलेशन के लिए, पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे और उसको फिर कन्वर्ट करेंगे करेस्पॉन्डिंगली ग्राउंड फ्रेम से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ में आ रही बात की नहीं। तो वही कैलकुलेशन मैंने दिखाई है। तो एक चीज देखो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कितनी, हाफ म्यू वी रेल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या दिखेगा कि न्यूट्रॉन जिसे टकराने वाला है, दोनों आमने सामने एक दूसरे की तरफ आ रहे और ये बस घुस के बैठ गया और ये अभी रुका हुआ, ठीक है, फूटने का वेट कर रहा है, समझ गए कि नहीं। तो देन इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी, मेकिंग सेंस। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या दिख रहा है, न्यूट्रॉन इधर से आ रहा है और ये दूसरा जो टारगेट है वो इधर से आ रहा है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे, जीरो मोमेंटम है, तो बस न्यूट्रॉन इसके अंदर घुस के बैठा है और ये अभी अंडा फूटने का वेट हो रहा है हमारा, समझ गए कि नहीं, और अंडा वहीं पे रुका हुआ है, मेकिंग सेंस, समझ में आ रही प्रोसेस। तो इस केस में क्या, इस केस में अंडा बस ऐसे हैच कर जाएगा और कोई चूजा इधर उधर उड़ के नहीं जाने वाला, यानी समझ गए कि नहीं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या दिख रहा है, अंडा हैच करके चूजा साइड में बैठा, समझ गए कि नहीं। वेयर एज ग्राउंड फ्रेम से क्या दिख रहा है, ये अंडा मूविंग है, लिविंग अंडे से चूजा हैच हुआ, चूजा भी भागते जा रहे हैं, अंडे के फ्रैगमेंट्स भी भागते जा रहे हैं, इज इट नो, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में यू कैन जस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड क्यू वैल्यू, राइट। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कैन बी जीरो, लिमिटिंग केस में, उससे ज्यादा दोगे तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी फूट जाएगा, चूजा इधर उड़ेगा बाकी का फ्रैगमेंट इधर उड़ेंगे, समझ गए कि नहीं। लेकिन लिमिटिंग केस में क्या होगा, जस्ट सफिशियंट एनर्जी सो दैट ये जीरो काइनेटिक एनर्जी रहे और बस मास के करस्पॉन्डिंग तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हाफ म्यू वी रेल स्क्वायर एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको क्यू मॉड के बराबर कर दिया। क्यू मॉड मॉड क्यों लगाया, क्योंकि क्यू वैल्यू नेगेटिव होगी, एंडोर्गिक रिएक्शंस में क्यू वैल्यू विल बी अ नेगेटिव नंबर, राइट। और ग्राउंड फ्रेम में कितनी एनर्जी चाहिए, उसको मैंने ई थ्रेशोल्ड लिखा। तो ई थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा, हाफ एम वी रेल स्क्वायर, एम क्या, मेरा जो प्रोजेक्टाइल आ रहा है उसका मास है, तो वो मेरा ई थ्रेशोल्ड के बराबर होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया तो ई थ्रेशोल्ड बाय क्यू क्या आ गया, एम बाय म्यू आ गया। अब मान लो टारगेट का मास कैपिटल एम है और प्रोजेक्टाइल का मास स्मॉल एम है, तो म्यू तो मेरा क्या होगा, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये क्या आ गया, वन प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम आ गया,
ठीक है, तो ई थ्रेशोल्ड क्या आ गया, क्यू वैल्यू क्यू मॉड इंटू वन प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, और क्यू मॉड को चाहो तो माइनस क्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई, आया समझ में सभी को, ठीक है। तो समझ गए ना, आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है, एक बार और पढ़ देता हूँ आर्ग्यूमेंट, सो दैट मोर फॉर्म इन योर कॉम्प्रिहेंशन। तो क्या लिखा मैंने, एंडोर्गिक रिएक्शन को डिफाइन कैसे किया, द रिएक्शंस इन व्हिच फाइनल मास इज मोर देन द इनिशियल मास आर कॉल्ड एंडोर्गिक रिएक्शंस। फॉर सच रिएक्शंस क्यू वैल्यू इज नेगेटिव, एनर्जी फॉर सच ए रिएक्शन इज टिपिकली प्रोवाइडेड बाय बम्बार्डिंग द टारगेट न्यूक्लियस मास कैपिटल एम बाय अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास स्मॉल एम। हियर ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द प्रोडक्ट्स फॉर्मड आर नॉट एट रेस्ट इन द लैब फ्रेम, दस द प्रोजेक्टाइल मस्ट हैव एन एनर्जी ओवर एंड अबव क्यू मॉड टू अकाउंट फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द लैब फ्रेम। लैब फ्रेम जिसमें हाफ एम वी स्क्वायर लिख रहे हैं, राइट। द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी इन द लैब फ्रेम टू स्टार्ट सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी प्रोजेक्टाइल को जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। वी विल डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सीएम फ्रेम, रिकॉल दैट सीएम फ्रेम इज अ जीरो मोमेंटम फ्रेम, दस इन सीएम फ्रेम द रिक्वायर्ड एनर्जी विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू क्यू मॉड इन द लिमिटिंग, तो लिमिटिंग केस में क्यू मॉड के बराबर देंगे, उससे ज्यादा भी दोगे तो चलेगा, सीएम फ्रेम में एटलीस्ट क्यू मॉड देना पड़ेगा। उसके बाद तो आगे की कहानी मैंने बता दी, सीएम फ्रेम में क्या होगा, हाफ म्यू वी रेल स्क्वायर होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्यू मॉड के बराबर किया और थ्रेशोल्ड एनर्जी हाफ एम वी रेल स्क्वायर के बराबर कर दी, जो लैब फ्रेम में एनर्जी तुमको डिवाइड किया और ये मेरे पास रिजल्ट आ गया जो मैंने अभी भी समझाया, ठीक है। एक बार देख लो इसको, कोई डाउट है तो मेरे को बोल सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है हम लोगों का, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी फॉर द रिएक्शन प्रोटॉन प्लस ट्राइटियम, ट्राइटॉन है बेसिकली, प्रोटॉन प्लस ट्राइटॉन गिव्स टू न्यूट्रॉन्स, ये मेरी रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें कर सकते हैं, लैब फ्रेम में या तो ट्राइटॉन्स को रेस्ट पे रख के उनको प्रोटॉन से बम्बार्ड कर सकते हैं, या फिर प्रोटॉन्स को रेस्ट पे रख के उनको ट्राइटॉन से बम्बार्ड कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। अब उसमें हम देखेंगे क्या फायदे वाली बात है, मतलब क्या करना बेटर है हमारे लिए, एनर्जेटिकली कौन सा हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो पार्ट ए क्वेश्चन का क्या, इफ प्रोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन द ट्राइटॉन्स एट रेस्ट, और पार्ट बी इफ ट्राइटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन द प्रोटॉन्स एट रेस्ट, गिवन एक मास एक्सेस दे रखा है प्रोटॉन का 0.007825 और मास एक्सेस ट्राइटॉन का दे रखा है 0.016049 और न्यूट्रॉन का मास एक्सेस दे रखा है 0.014102, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्यू वैल्यू निकाल लो, एक बार क्यू वैल्यू निकल गई तो उसके बाद वन प्लस मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल अपॉन मास ऑफ द टारगेट, समझ गए, यही करना है ना फॉर्मूला, यही लगाना है। अब यही है कि एक केस में मास ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्राइटॉन का मास हो जाएगा, एक केस में प्रोटॉन का मास हो जाएगा, फर्स्ट केस में प्रोटॉन सेकंड केस में ट्राइटॉन, उसी से एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले तो क्यू वैल्यू निकालोगे तो इसकी आ जाती है -4.033 MeV आ जाती है, ठीक है। तो ई थ्रेशोल्ड क्या होगा, वन प्लस मास ऑफ प्रोजेक्टाइल अपॉन मास ऑफ टारगेट। तो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ ट्राइटॉन, तो वो क्या आएगा 1/3 का फैक्टर आएगा, राइट। तो 1 + 1/3 × 4.033 MeV हो गया, तो ये 5.38 MeV आ गया, राइट। सेकेंड केस में ट्राइटॉन मेरा प्रोजेक्टाइल है और प्रोटॉन मेरा टारगेट है, तो 1 + mass of triton upon mass of proton, तो क्या आ जाएगा 1+3 आ जाएगा ये, तो ये 16.1 MeV आ गया। तो देख रहे हो कितनी ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो हमेशा फायदे की क्या बात है, फायदे की चीज है कि हल्का वाला प्रोजेक्टाइल यूज करना चाहिए, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। किसी का माथा पोटना है तो या तो बंदे को उठा के दीवार पे मार, बंदे को उठा के पत्थर पे मार सकते, पत्थर उठा के बंदे पे मार सकते हैं, ठीक है नहीं, सावेज बात कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो पत्थर उठा के फेंकना आसान पड़ेगा, बंदा को उठा के फेंकना मुश्किल पड़ेगा, समझ गए कि नहीं, इस तरह की बात है, ठीक है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है, कई कभी कभी ऐसी मैं बात कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो क्या लिखा मैंने, लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइटर पार्टिकल इंसिडेंट ऑन अ हैवी न्यूक्लियस देन द अदर वे राउंड, ठीक है नहीं, ठीक है। वो बात अलग है, महाभारत में भीम पेड़ उठा उठा के लोगों के ऊपर फेंक रहा था, एक्चुअली ऐसा आता है कहीं पे, भीम वाज प्लकिंग आउट द ट्रीज एंड थ्रोइंग एट पीपल, थ्रोइंग पीपल एट द ट्रीज, ठीक है, क्लियर है सभी को, ओके, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग की। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होता है, कई बार हम लोग स्टोन्स वगैरह की एज निकालना चाहते हैं कि कोई रॉक रॉक है तो वो कितना पुराना रॉक है। तो पहली बात तो देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनते कैसे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। नॉर्मली तुम्हें पता है आयरन 56 अकॉर्डिंग टू NCERT आयरन 56 सबसे स्टेबल है, ठीक है नहीं। जब बिग बैंग हुआ था तो सब तो हाइड्रोजन ही था, इज इट नॉट, एट द टाइम ऑफ बिग बैंग एवरीथिंग वाज हाइड्रोजन। उसके बाद चलो फ्यूजन रिएक्शन से स्टेबल रिएक्शन, स्टेबल प्रोडक्ट्स बनते चले जाएंगे,
तो कहां पे जाके रिएक्शन रुकेगा? आयरन तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या, यूनिवर्स में आयरन से हैवियर एलिमेंट्स तो होने नहीं चाहिए क्योंकि एनर्जेटिकली फेवरेबल तो है नहीं। आयरन 56 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हाईएस्ट है, इज इट नॉट? अगर एनसीईआरटी के साथ चले या और रेसनिंग के साथ चलते तो निकल 62 से हैवियर कुछ नहीं बनना चाहिए। निकल 62 रेसनिंग के हिसाब से मोस्ट क्लोजली बाउंड है। तो फिर सवाल ये कि उससे हैवी एलिमेंट्स बनते ही क्यों हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर एंडोर्गिक रिएक्शंस होंगे, इज इट नॉट? आयरन 56 को अगर तुम्हें यूरेनियम में कन्वर्ट करना है किसी चीज से फ्यूज करा के, तो उसमें एनर्जी लगेगी, एनर्जी निकलेगी नहीं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैवियर देन आयरन 56 या निकल 62 हैं, ये कहाँ पे बनते हैं? तो होता क्या, स्टार्स के अंदर तुम्हें पता है रिएक्शन चालू होता है, जैसे सन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी का रिएक्शन चालू होता है। तो क्या होता है, एक टाइम के बाद जब फ्यूल थोड़ा कम होता है तो देर इज अ ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तुम्हें पता है कोई भी स्टार अपना शेप क्यों मेंटेन किए हुए? एक तो थर्मल प्रेशर है जो बाहर की तरफ सरफेस को धक्का दे रहा है, एक ग्रेविटेशनल प्रेशर है जो स्टार को कोलैप्स कराना चाह रहा है। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट प्रोसेसेस हैं, इज इट नॉट? तो होता क्या है, कुछ कुछ स्टार्स में क्या होता है कि ये जब क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है तो अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है, अंदर ऐसा फ्यूजन रिएक्शन चालू होता है कि इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि स्टार जो होता है ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट मतलब सुपरनोवा, समझ गए ना? स्टार्स के अंदर सुपरनोवा होता है। तो जितने भी एलिमेंट्स हेवियर देन आयरन तुम्हें दिखते हैं, ये सब के सब, ऑल ऑफ देम, दे आर बॉर्न इनसाइड द स्टमक ऑफ अ वेरी जायंट स्टार, समझ गए कि नहीं? वो सारे के सारे किसी सुपरनोवा में पैदा होते हैं, समझ गए? सुपरनोवा के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है दैट इट कैन कॉज फ्यूजन ऑफ आयरन इनटू स्टिल हैवियर एलिमेंट्स, ठीक है? तो उस तरह से हमारे यूरेनियम वेरेनियम ये जो चीजें बनती है, ठीक है, स्टेबल तो नहीं होते उस टाइम पे, स्पर ऑफ द मोमेंट में बन गया गर्मा गर्म, ठीक है, यूरेनियम ताजा ताजा तैयार हो गया, बट इट इज रेडियो एक्टिव। तो धीरे धीरे क्या होता है, यूरेनियम का जो रॉक है वो धीरे धीरे करके रेडियो एक्टिव डिके करते रहता है। हाफ लाइफ 10 to the power 9 years टाइप की होती है, यूरेनियम 238 की अगर हम देखें उस ऑर्डर की होती है हाफ लाइफ, ठीक है? तो अभी क्या है, अगर मान लो मुझे अर्थ की डेट पता करनी है कि अर्थ कब स्टार्ट हुई, तो एज्यूम करो कि अर्थ के ऊपर जो रॉक था इनिशियली वो सारा का सारा यूरेनियम था, उससे धीरे धीरे डिके करके लेड बनना चालू हुआ, ठीक है? तो मैं आज की डेट में यूरेनियम टू लेड का अगर रेशियो देखूं तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि कब ये कंप्लीट यूरेनियम रहा होगा, ठीक है? नहीं, क्योंकि हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाएगा यूरेनियम, फिर अगली हाफ लाइफ के फिर आधा हो जाएगा। तो इसमें क्या अजम्पशन लेके चलते हैं कि जब अर्थ बनी थी तो रॉक पूरा का पूरा यूरेनियम का था, और फिर वो घटते 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 वो उसके अंदर लेड प्रोड्यूस होते जा रहा है, ठीक है? ऑल दो ये भी एक अजम्पशन ही है, बट साइंटिस्ट और क्रॉस वेरिफिकेशन करते हो किसी तरीके से, लेकिन कोई बोलने को तो बोल ही सकता है, व्हाट इफ इनिशियली जब अर्थ बनी थी तभी ऑलरेडी लेड प्रेजेंट था, तो मतलब समझ गए, तो फिर ऑब्वियसली कैलकुलेशन में गड़बड़ आ जाएगी, अजम्पशन फेल हो जाएगा मतलब। बट हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इनिशियली पूरा यूरेनियम था, ठीक है? तो क्या लिखा, हैवी एलिमेंट सच एज यूरेनियम आर फॉर्म ड्यूरिंग द सुपरनोवा एक्सप्लोजन। After the explosion, uranium 235 forms crystals which might be present in various rocks. So crystals अलग अलग rock में मिल जाएंगे तुम। Uranium 235 gradually decays to lead 207 with a half life of about 700 million years. ठीक है, 700 million years, almost 10 to the 9 years के आसपास ही हो, ठीक है? Thus, knowing the ratio of lead to uranium in the rock, one can estimate the age of the rock at the time of its formation. This assumes that at the time of formation, it was completely uranium 235. Similarly, potassium 40 decays to argon 40, which is a stable isotope. Thus, knowing the ratio of potassium 40 to argon 40 also can, one can date a rock. Half life इसकी जो होती है potassium 40 से argon 40 की 1.25 into 10 to the power 9 years, ठीक है? नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी एजेस इससे एस्टिमेट कर सकते हैं, बहुत पुरानी पुरानी चीजें जो है, ठीक है? समझ में आई बात की नहीं? तो दिस इज वन फॉर्म ऑफ डेटिंग जो लार्ज टाइम स्केल पे डेटिंग करनी है, 10 to the power 9 years, यानी एज ऑफ अर्थ निकालना है, एज ऑफ यूनिवर्स निकालना है, एज ऑफ सोलर सिस्टम निकालना है, सब के लिए इस तरह की डेटिंग यूज करोगे, राइट? अब इस तरह की डेटिंग जो है ये बहुत लार्ज टाइम स्केल के लिए सुटेबल है, लेकिन अगर मान लो तुम रिलेटिवली स्मॉलर टाइम स्केल की बात करते हो, लेट अस से इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई किसी आदमी की खोपड़ी मिली तो वो कितनी पुरानी है उसको डेट करना है, ठीक है? या कोई दरवाजा मिला या सीरियल्स मिले, ठीक है, तो उन सबको डेट करना है, तो उसके लिए दिस इज नॉट सुटेबल। वो टाइम स्केल 10 to the power 9 years का नहीं है, वो टाइम स्केल कितने साल का है, वो 5000, 6000, 10000 टाइप के टाइम स्केल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए यू नीड सम अदर टाइप ऑफ डेटिंग, उसके लिए स्मॉलर हाफ लाइफ का आइसोटोप चाहिए, ठीक है? तो फॉर्चुनेटली अर्थ के ऊपर उसको डेट करने के लिए हमारे पास क्या है, कार्बन 14 आइसोटोप प्रेजेंट होता है। होता क्या है, समझना ये बात ध्यान से, हाउ डज कार्बन डेटिंग वर्क? अर्थ के ऊपर सन से लगातार रेडिएशन आ रही है, और सन से जो रेडिएशन आ रही है वो कॉन्टिन्यूसली नाइट्रोजन को कार्बन 14 आइसोटोप में कन्वर्ट करती रहती है, ठीक है? ये डायनामिक प्रोसेस है, कार्बन 14 डिके भी होते रहता है
और कार्बन 14 प्रोड्यूस भी होते रहता है बिकॉज ऑफ द सोलर रेडिएशन इंटरैक्टिंग विद नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का कोई आइसोटोप होता है, आई थिंक वो पढ़ दूंगा अभी, तो समझ में आया। तो इसलिए क्या है, एटमोसफेयर के अंदर C14 और C12 का कुछ रेशियो मेंटेन होगा। C14 तो बनते जा रहा है एक डायनेमिक प्रोसेस से, तो और कार्बन 12 तो कुछ प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, तो C14 और C12 का जो है कुछ एटमोसफेयर में रेशियो प्रेजेंट है। अब सोचो मैं अगर अभी जिंदा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं एटमोसफेयर से ले रहा हूं, तो मेरे बॉडी में जो सांस लेने की प्रोसेस में कार्बन फिक्स हो रहा है मेरे बॉडी में, उसके अंदर C12 C14 का वही रेशियो होगा जो मेरे आसपास के एटमोसफेयर में। तुम लोग खाली सांस थोड़ी लेता हूँ, मैं पेड़ पौधे भी तो खाता हूँ, ठीक है, नहीं आलू खाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, तो उसके अंदर भी क्या है, अब देखो पेड़ जो ले रहा है पेड़ भी सांस इसी एटमोसफेयर में ले रहा है, राइट, उस पेड़ के अंदर भी C12 और C14 का वही रेशियो होगा जो एटमोसफेयर के अंदर है, जिंदा पेड़ अगर है तो, राइट। तो ऑब्वियसली मैं जो गाजर मूली जो भी खा रहा हूँ आज से 100 साल पुरानी भी नहीं खाता मैं तो, मतलब समझ गए कि नहीं, मुश्किल से 1 साल पहले उगाई होती है, तो उसके अंदर C12 C14 का वही रेशियो होगा जो एटमोसफेयर में रेशियो है, ठीक है, जो भी गाजर मूली आलू जो खा रहा हूँ, ठीक है, नहीं ठीक है। या फिर क्या खा रहे होगे, या फिर तुम एनिमल बेस्ड फूड ले रहे होगे, तो कोई मतलब जो भी है, यानी तो वो जो भी एनिमल्स हैं वो भी तो पेड़ पौधे ही खा रहे हैं, इज इट नॉट। जैसे सपोज कोई गोट है तो गोट क्या खा रही है, गोट भी तो प्लांट्स प्लांट्स को खा रही है, तो गोट के बॉडी में भी वही रेशियो का C12 C14 का जो प्लांट्स के अंदर रेशियो है, राइट। तो अब किसी ने गोट को कंज्यूम किया तो उसके बॉडी में भी फिर वही C12 C14 का रेशियो रहेगा, आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं जिंदा हूं तो मेरे बॉडी में C12 C14 का वही रेशियो होगा जो एटमोसफेयर में होगा, चाहे मैं प्लांट बेस्ड डाइट ले रहा हूं, चाहे मैं ब्रीथ कर रहा हूं, चाहे मैं एनिमल डाइट ले रहा हूं, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक जिंदा बॉडी के अंदर C12 C14 का वही रेशियो होगा, लेकिन एक बार कोई जानवर मर गया, पेड़ मर गया, चाहे जानवर मर गया या इंसान मर गया, या सीरियल्स तुमने तोड़ के अलग रख लिया, उसके बाद क्या, इसके अंदर C14 जो है डिके करना शुरू हो जाएगा, राइट, तो C12 और C14 का रेशियो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो उसको उस रेशियो को आज की डेट में मैं देख के C12 और C14 का क्या रेशियो है मैं ये पता लगा सकता हूँ कि कब ये रेशियो जो है ये एटमोस्फेरिक रेशियो के बराबर होगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि कब जिंदा था, समझ में आई बात के लिए। तो इसी को यूज करके हम लोग जो अलग अलग आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं सिविलाइजेशंस में उसको हम डेट करते हैं, ठीक है, नहीं कोई कॉफिन मिला तो कॉफिन की वुड से देख लिया कि कितना पुराना कॉफिन है, ये एज्यूम करते हैं कि कॉफिन जो बनाया होगा वो आसपास उसी के आसपास की एज के ट्रीज को फॉल करके बनाया होगा, समझ में आई बात के लिए। तो इस तरह से वुडन ऑब्जेक्ट्स, इंसान की हड्डियां, ठीक है, स्किन, सीरियल्स, इन सब की डेटिंग हम लोग कर सकते हो, समझ में आया लॉजिक क्या है। क्या लिखा, द रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड C14 इज प्रोड्यूस एट अ कॉन्स्टेंट रेट इन अपर एटमोसफेयर ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन बाई कॉस्मिक रेज, दैट दस एटमोस्फेयर मेंटेन्स अ कॉन्स्टेंट रेशियो C12 टू C14, देर इज अबाउट 1 कार्बन 14 एटम फॉर एवरी 10^13 एटम्स ऑफ ऑर्डनरी C12, ठीक है, इतना कम होता है C14, 1 पार्ट इन 10^13, समझ गए, बहुत कम होता है ये। सिंस लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स डिराइव कार्बन इन देयर बॉडीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस या वेजिटेबल या कार्निवोरस डाइट, देयर बॉडीज ऑल्सो हैव द सेम C14 टू C12 रेशियो वेन दे आर अलाइव। वंस द पर्सन और द लिविंग बींग डाइज C14 बिगिंस टू डिके टू नाइट्रोजन 14, ठीक है, वो नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होने लगता है C14 जो बीटा डिके थ्रू विद अ हाफ लाइफ ऑफ 5700 प्लस माइनस 30 ईयर्स, तो ऑलमोस्ट 5700 ईयर्स ही मान के चल सकते हैं, ठीक है। दस नोइंग द रेशियो ऑफ एक्टिव C14 न्यूक्लियाई टू C12 न्यूक्लियाई इन अ फॉसिल सैंपल और डेरिवेटिव ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स वुड स्किन सीरियल्स बोन्स हेयर एटसेट्रा, वन कैन एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल दैट इज अप्रोक्सीमेट टाइम व्हेन द ऑर्गेनिज्म वाज अलाइव और एक्सचेंजिंग कार्बन विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। एक बार सेक्शन को देखो, कहीं पे भी डाउट है तो मुझे बोल दो। ऑल राइट, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, डिटरमिन द एज ऑफ एंशियंट वुड आइटम वुडन आइटम्स इफ इट इज नोन दैट द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ C14 न्यूक्लाइड इन देम अमाउंट टू 3/5 ऑफ दैट इन लेटली फेल्ड ट्रीज, द हाफ लाइफ ऑफ C14 न्यूक्लियाई इज 5570 ईयर्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ही है क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। तुम्हें पता है एक्टिविटी का भी फॉर्मूला वैसे ही होता है जैसे सर्वाइविंग न्यूक्लियाई का होता है, राइट, एन इजक्ल टू एन नॉट इट माइनस टी बाई टाउ होता है, वैसे एक्टिविटी भी ए इजक्ल टू ए नॉट इट माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। तो बस, तो इसको मैं चाहूँ तो log 2/th भी लिख सकता हूँ, है ना। तो समझ में आ रही है ये इक्वेशन, तो अब तो सिंपल ही है, अब ए बाई ए नॉट मेरा 3/5 है, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टाइम क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ इंटू log(5/3)/log(2), सिंपल सी कैलकुलेशन कैलकुलेशन है, आई होप समझ में आ रही होगी सभी को, राइट।
तो कैलकुलेट करोगे तो ये 4.05 ईयर्स आ जाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके लिए तुम्हें कैलसी की जरूरत पड़ेगी, अगर एग्जाम में आएगा तो तुम्हें लॉग 5 लॉग 3 वगैरह की वैल्यूज दे रखी होंगी, ठीक है। देख लो एक बार, डाउट है तो बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से सुनना। मान लो किसी इंसान के बॉडी में तुम्हें पता लगाना है खून कितना है, ठीक है। मान लो सोमनाथ के बॉडी में पता लगाना है कि कितना खून है, ठीक है। तो कैसे पता लगाओगे, मतलब क्या यानी कट लगा के सारा खून ड्रेन करके, ठीक है हाँ भाई इतना, ठीक है तो इंसान ही खत्म हो जाएगा उसमें, तो है ना, यू कांट डू दैट राइट। तो इंसान के बॉडी में कितना खून है ये पता लगाने के लिए वी यूज रेडियो एक्टिविटी। क्या कर सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन ही एरोडोव का मैं समझाता हूँ, तो क्या करोगे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर थोड़ा सा रेडियो एक्टिव सोडियम तुम इंजेक्ट करोगे। अभी रेडियो एक्टिव सोडियम से प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में नेचुरल सोडियम भी होता है, तो नेचुरल सोडियम उसका आइसोटोप भी डाल रहे तो कोई केमिकल रिएक्शन आला डेटा नहीं करने वाला, समझ गया कि नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म योर बॉडी। तो क्या करोगे, बॉडी के अंदर थोड़ा सा रेडियो एक्टिव सोडियम डाल दोगे और वो रेडियो एक्टिव सोडियम जो पूरे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाएगा, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन योर बॉडी, राइट। समझ गए, किसी किसी के अंदर 4 लीटर ब्लड है तो उसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन होगा, 6 लीटर ब्लड है उसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन होगा। उसके बाद क्या करोगे, यू लेट इट मिक्स इन द ब्लड स्ट्रीम फॉर सम टाइम, इमीडिएटली तो मिक्स नहीं होगा, विल गिव इट सम गुड 4-5 आवर्स सो दैट इट मिक्सेस प्रॉपरली इन द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद क्या करोगे, इसके बॉडी से 1 ml ऑफ ब्लड निकाल लिया या जो भी थोड़ा सा फ्यू ml ऑफ ब्लड निकाल लिया और देखा कि उसकी एक्टिविटी कितनी है। उसकी एक्टिविटी डिपेंड करेगी कंसेंट्रेशन कितना था, मतलब तुम पर यूनिट वॉल्यूम एक्टिविटी देख रहे हो राइट, उसका यूज करके यू कैन फिगर आउट कि कितना वॉल्यूम रहा होगा ब्लड में, ब्लड का कितना वॉल्यूम रहा होगा। समझ गए कि नहीं। वैसे तो तुम लोग केमिकल कॉन्सेंट्रेशन से भी कर सकते हो, कोई ऐसा केमिकल इंजेक्ट करो जो बॉडी में मिक्स हो जाए, थोड़ी देर बाद उस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन देख लो, बट जनरली क्या है केमिकल अगर इंजेक्ट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो बॉडी के अंदर एग्जिस्टिंग केमिकल से मैच नहीं करे तो हार्म कर सकता है वो बॉडी के, राइट। तो इसी पे बेस्ड भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, समझ गए, वॉल्यूम ऑफ ब्लड एस्टिमेट करना रेडियो एक्टिविटी यूज करके। क्या है क्वेश्चन, स्मॉल अमाउंट ऑफ जस्ट small amount of solution of sodium 24 radionuclide with activity 2×10³ disintegrations per second was injected in the bloodstream of a man. The activity of 1 cm cube of the blood sample taken 5 hours later turned out to be A′=16 disintegrations per minute. ध्यान रखना यहाँ पे per minute है, ठीक है, units का ध्यान रखनी, per centimeter cube. तो per minute per centimeter cube activity हमको मालूम है। The half life of radionuclide is 15 hours. Find the volume of man's blood. खुद से सोचना चाहोगे इसको, ट्राई करो, थोड़ी देर सोचो। ऑल राइट, तो देखो इसमें क्या है, क्या लिखा मैंने, हेयर सिंस द रेडियो एक्टिव सैंपल इज मिक्स इन द ब्लड स्ट्रीम इट गेट्स डाइल्यूटेड, और डाइल्यूशन जो होगा वो किसके हिसाब से होगा, वो ब्लड में कितना ब्लड का कितना वॉल्यूम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा डाइल्यूशन जो है, ठीक है। सो द इमीडिएट एक्टिविटी ऑफ ब्लड पर यूनिट वॉल्यूम विल बी रिड्यूस डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द पर्सन्स बॉडी। तो ये एक्टिविटी क्या है, टाइम के साथ कम होती रहेगी, ईट और माइनस टी बाई टाउ के हिसाब से। तो नाउ लेट द ब्लड वॉल्यूम बी वी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में मैंने वी मान लिया, ओके। तो एक्टिविटी पर सेंटीमीटर क्यूब टी टाइम के बाद क्या होगा, तो इमीडिएट एक्टिविटी तो ए बाई वी हो जाएगी, क्योंकि टोटल एक्टिविटी ए है, टोटल वॉल्यूम वी है, तो ए बाई वी इमीडिएट एक्टिविटी हो जाएगी, और ये ईट और माइनस टी बाई टाउ से घटती रहेगी। और इसको किससे इक्वेट कर दूंगा, ये जो गिवन है मेरा 1 cm³ का, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ही है ना, तो ये 16 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट को 16/60 कर दोगे डीपीएस में अगर कन्वर्ट करना है इसको, राइट। तो बस, तो A′=A/V × e^-t/tau, तो इससे वॉल्यूम के लिए सॉल्व कर दो, वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना दो, बाकी सबको प्रेडिकेट कर दो, और क्या है उसके बाद तो वैल्यूज डाल सकते हो, तो क्या आ जाएगा, सब दे रखा है ना तुम्हें, ए की वैल्यू 2×10³ दे रखी है और A' की वैल्यू 16/60, ध्यान रखना कन्वर्ट करना मत भूलना, 16 पर मिनट है तो 16/60 पर सेकेंड होगा, ठीक है। और फिर मतलब ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, हाफ लाइफ का 1/3 टाइम है, ठीक है, तो 2^-1/3 स्क्वायर 5/15, समझ गए। तो इससे मेरे पास ब्लड का वॉल्यूम कितना आ गया, 6 लीटर्स। समझ में आया सभी को, एग्जांपल क्लियर है, एब्सोल्युटली आगे बढ़ सकते। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सीरीज रिएक्शन। सीरीज रिएक्शन क्या होता है, जहां पे एक स्पीशीज ए जो है बी में कन्वर्ट हो रही है और बी स्पीशीज जो सी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी बी की, तो वो उसमें क्या होगा, एक तो क्रिएशन रेट और एक डिस्ट्रक्शन रेट दोनों चीजें आएंगी, तो बी की इक्वेशन जो हमें वो ध्यान से सॉल्व करनी पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इट टर्न्स आउट
जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे बी की तो लीनियर फॉर्म आता है, लीनियर फॉर्म तुम लोगों ने पक्का मैथ्स में पढ़ा होगा, वाई डैश प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, राइट, वाई ऑफ एक्स प्लस पी टाइम्स वाई डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, तो उसमें क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा के तुम सॉल्व कर सकते हो, तो उसी तरह की इक्वेशन आएगी, तो अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो स्पीशीज ए का लैम्डा वन के हिसाब से डिके हो रहा है और स्पीशीज बी का लैम्डा टू के हिसाब से डिके हो रहा है, राइट। तो स्पीशीज ए का तो हम किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं कितना होगा, स्पीशीज ए तो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूले एन नॉट इज माइनस लैम्डा वन टी, अगर ए का इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट था, ये तो एन नॉट इज माइनस लैम्डा वन टी होगा, राइट। अच्छा बी के लिए क्या होगा, तो बी बन रहा है ए के डिके होने से, तो लैम्डा वन एन वन तो ए का डिके रेट है, ठीक है, लेकिन बी में डिके होते जा रहा है, तो बी का जो नेट रेट ऑफ चेंज है तो क्या होगा, पैदा होने का रेट माइनस मरने का रेट, राइट। तो लैम्डा वन एन वन तो इसके पैदा होने का रेट है और लैम्डा टू एन टू इसके मरने का रेट है, एन टू के बी के इंस्टेंटेनियस नंबर ऑफ निकले, समझ में आया। तो अब क्या लिख सकते हैं, डी एन टू बाई डी टी प्लस लैम्डा टू एन टू इक्वल टू एन वन की वैल्यू डाल दी, तो क्या हो गया ये लैम्डा नॉट एन नॉट इन टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी, जस्ट वन सेकंड, लैम्डा नॉट कुछ भी नहीं है, आई थिंक दिस शुड बी लैम्डा वन, जस्ट वन सेकंड, ठीक है। तो ये लैम्डा वन एन नॉट इन टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी, तो आप देख पा रहे हो ये एन टू जो टाइम का फंक्शन है, तो ये देख पा रहे हो कि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फॉर्म है, तुमको वाई और एक्स में देखने की आदत है लेकिन ये एन और टी में, तो एन टू को वाई समझो और टी को एक्स समझो, तो देख पा रहे हो लीनियर फॉर्म है इक्वेशन का, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए ई टू द पावर पी डी एक्स से करके यही शायद नोटेशन यूज करते हो इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए, वाई डैश प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे उसी हिसाब से इंटीग्रेशन फैक्टर लेके रीअरेंज करोगे, तो क्या करोगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा तुम्हारा ई टू द पावर लैम्डा टू टी डी टी, समझ गए, क्योंकि तुम्हारा पी क्या है, ई टू द पावर लैम्डा टू डी टी होना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे e टू द पावर लैम्डा टू टी हो जाएगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी टी से भी पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रीअरेंज करके ये मेरे पास आ गया, इनफैक्ट उसको इंटीग्रेट ही कर दिया, तो इंटरमीडिएट स्टेप्स यहाँ पे हटा दिए, बट आई होप यू नो हाउ टू डू इट, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है, इंटीग्रेट करके तुम्हारे पास क्या आएगा, अच्छा टी इक्वल टू जीरो पे एन टू की वैल्यू जीरो, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मेरा जीरो ही आ जाता, यानी सॉरी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आ जाएगा तुम्हारा, फाइनली एन टू का ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। तो ये मेरा ई का किसी भी टाइम पे पता चलेगा कि बी कितना है किसी भी टाइम पे, जनरल टाइम पे। अब सी क्या है, सी अगर स्टेबल न्यूक्लियस है तो रेट ऑफ डिके ऑफ एटम्स इंटू बी एटम्स ऑफ बी इंटू सी, वो डी एन थ्री बाई डी टी क्या हो जाएगा, वो सीधे माइनस लैम्डा टू एन टू हो जाएगा, राइट। तो उसका यूज करके फिर इसको एन थ्री के लिए फिर इंटीग्रेट कर लोगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास एन थ्री। या फिर इससे भी अच्छा क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए कन्वर्टिंग टू बी कन्वर्टिंग टू सी, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का सम एन नॉट ही रहने वाला है, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, लेकिन टोटल तो एन नॉट ही रहेगा ना, क्योंकि वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या तो बी के फॉर्म में प्रेजेंट है या सी के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसलिए एन नॉट में से ए और बी के माइनस कर दोगे तो सी के मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो दैट इज इजियर वे ऑफ फाइंडिंग द न्यूक्लियाई ऑफ सी, तो एन नॉट माइनस एन टू माइनस एन वन कर दिया तो ये मेरा सी का नंबर आ गया, समझ में है, ठीक है। ये रट्टा नहीं मारना, इसको याद रख सको तो बहुत अच्छा, नहीं टेक्निक बताना चाहिए इसको इंटीग्रेट करने की, राइट। हाँ अब तुम चाहो तो ये पता कर सकते हो कि बी का क्या कहते हैं कंसेंट्रेशन कब मैक्सिमम होगा, या नंबर एब्सोल्यूट कब मैक्सिमम होगा, तो एन टू मेरा ये फंक्शन आ रहा है तो इसको मैक्सिमाइज कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव लेके जीरो कर दोगे तो तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा कि इस टाइम पे बी का वैल्यू मैक्सिमम, राइट, क्योंकि इनिशियल तो बी जीरो था और फाइनली भी बी जीरो होने वाला, तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमा से पास करेगा, मेकिंग सेंस, राइट। रेडियो एक्टिव है तो कभी ना कभी तो बी खत्म हो गया जीरो ही हो जाएगा, और इनिशियल भी जीरो था तो बीच में कहीं मैक्सिमा से पास करेगा, तो मैक्सिमा कैसे पता लगेगा, इसका डेरिवेटिव जीरो कर दोगे तो मेरे पास टाइम आ जाएगा, तो कैलकुलेट करते हो तो मेरे पास ये टाइम आ जाता है जब बी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अभी इसका अगर तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा ग्राफ आएगा तुम्हारा, ये एन वन का ग्राफ है ऐसे करके, ऐसे ये एन वन मेरा डिके करते जा रहा है, एन नॉट इन टू द माइनस लैम्डा टी से एन वन डिके करते जा रहा है, और बी का जो ग्राफ आएगा, बी का ग्राफ ऐसे करके ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, ओके। तो ये दिखा रखा है, सो अ टिपिकल ग्राफ फॉर द सीरीज डिके प्रोसेस इज शोन इन द एडजेसेंट फिगर फॉर लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन इक्वल टू 1.1, यानी ये रेशियो के लिए प्लॉट किए हुए नंबर्स, ठीक है। हियर इट कैन बी सीन दैट द स्पीशीज बी पासेस थ्रू अ मैक्सिमम एंड देन अगेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यहां तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे, एक बार इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ लो, लेट मी नो इफ देयर इज एनी डिस्कशन इन द सेक्शन, यहां से शुरू हो रहा है, पढ़ लो एंड लेट मी नो।
अभी मैं कुछ आइडिया डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये तुमने उनके पुराने मॉड्यूल में था, नए मॉड्यूल के अंदर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पीटीएस में, वॉट में, जीटीए में सब में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो वैसे तो तुम ऑन द स्पॉट कॉमन सेंस लगा के भी निकाल सकते हो, बट जनरली एग्जाम में आता क्वेश्चन तो दिमाग में चलता है, तो थोड़ा समझना। सीरीज रिएक्शन के अंदर देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर इक्विलिब्रियम। अभी सेक्युलर इक्विलिब्रियम क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास ए टू बी टू सी जो कन्वर्जन हो रहा है, इसमें क्या है, जो स्पीशीज ए है इसकी तो हाफ लाइफ बहुत बड़ी है, लेटर से 10^9 ईयर्स की हाफ लाइफ है, और जो स्पीशीज बी है इसकी हाफ लाइफ मान लो 5 दिन ही है। तो तुम देखोगे कि कुछ दिन के बाद बी का कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट तुम्हें कांस्टेंट नजर आने लगेगा, यानी बी विल अपीयर टू बी कांस्टेंट। मतलब तुम लोगों के लाइफ स्पैन में 100-200 साल तक तुम देखोगे तो बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्स्टेंट ही रहने वाला, दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज। वो मैं अभी प्रूव करने वाला हूँ। क्या बोला मेरा क्लेम क्या है, कि अगर ए की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू द हाफ लाइफ ऑफ बी, यानी लैमडा जो है ए का बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू द लैमडा ऑफ बी, ए टू बी प्रोसेस का लैमडा जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू लैमडा फॉर प्रोसेस बी टू सी, तो मेरा क्या क्लेम है कि बी का जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन फ्लैट जैसा दिखेगा तुम्हें, थोड़े से मतलब कुछ कुछ हाफ लाइफ के बाद ही तुम देखोगे, यानी जैसे इसका 5 आवर से लेटर से बी का, तो हो सकता है 15-20 घंटे के बाद बी का अमाउंट जो कांस्टेंट होगा। तो ऐसा क्यों है अभी ध्यान से सुन, ठीक है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, सेक्युलर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखा, कंसिडर द इक्वेशन टू अबव, तो इक्वेशन टू कौन सी है, यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन टू, यहाँ पे ये मेरी इक्वेशन टू है, ठीक है। इस इक्वेशन पे ध्यान देना, उसमें दो एक्सपोनेंशियल टर्म है, e^-λ1t और e^-λ2t, ये दो मेरे पास टर्म्स है, राइट, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे दोबारा से कॉपी की इक्वेशन टू यही वाली है, ठीक है। नाउ सपोज λ1 इज मच मच लेस देन λ2, ये जो ये बहुत ही छोटा है, दिस टर्म इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू ये वाला λ2 के मुकाबले, तो ये टर्म तो ऑलमोस्ट 1 के आसपास हो जाएगा, इज इट नॉट, e^-λ1t जो ये तो ऑलमोस्ट 1 के आसपास हो जाएगा, बात समझ आ रही है कि नहीं। इफ λ1 इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब किस ऑर्डर का, ये 10^9 टाइम्स छोटा है λ2 से, सपोज, तो दिस टर्म इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 देन, राइट, और ये टर्म जो बहुत ही जल्दी 0 हो जाएगा, इज इट नॉट। तो क्या लिखा, तो λ1 जो है लेट अस से 10^-4 λ2 से भी छोटा है लेट अस से, यानी इसका हाफ लाइफ जो मच मच ग्रेटर देन हाफ लाइफ ऑफ द सेकेंड वन, राइट। देन आफ्टर अ फ्यू हाफ लाइफ ऑफ बी, बी की थोड़ी सी हाफ लाइफ के बाद e^-λ2 में भी अज्यूम टू बी प्रैक्टिकली 0, ये टर्म थोड़े से हाफ लाइफ के बाद इसको प्रैक्टिकली 0 कह सकते हो, एक हाफ लाइफ के बाद 1/2, 1/4, 1/8 करके इस तरह से करते करते कह सकते हो 4-5 हाफ लाइफ के बाद तो ये टर्म को ऑलमोस्ट 0 मान सकते हो, और ये वाले टर्म को ऑलमोस्ट 1 मान सकते हो, राइट, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, n2 विल बी λ1 n0 e^-λ1t / λ2 − λ1, समझ में आ रहे, इस टर्म को मैंने 0 कर दिया थोड़े से टाइम के बाद, ठीक है। सिंस स्पीशीज 1 डिकेज वेरी स्लोली फॉर रिलेटिवली स्मॉल टाइम पीरियड फ्यू मल्टीपल्स ऑफ tau2, तो e^-λ1t को हम क्या मान सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 के बराबर मान सकते हैं, बात समझ आई कि नहीं। अगर किसी स्पीशीज की हाफ लाइफ 10^9 ईयर है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम 100 साल तक उसके कंसेंट्रेशन को ऑलमोस्ट सेम ही मान सकते हो, इज इट नॉट। तो यानी यही मतलब है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, e^-λ1t जो −λ1t वाला टर्म है इसको ऑलमोस्ट मैं 1 के बराबर रख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी सिंपली सिंपली λ1 n0 / λ2 − λ1, दिख रहा है, ये तो कांस्टेंट दिख रहा है कि नहीं, लिटरल कांस्टेंट नहीं है बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट अंडर दीज अप्रोक्सीमेशन, समझ में आ रही है बात की नहीं। तो क्या लिखा, सिंस स्पीशीज 1 डिकेज वेरी स्लोली फॉर रिलेटिवली स्मॉल टाइम फ्यू मल्टीपल्स ऑफ tau2 e^-λ1t मे बी ट्रीटेड एज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, thus for some time we can write n2 is equal to λ1 n0 / λ2 − λ1, right, that is number of nuclei of species becomes nearly constant, is nahi hona chahiye, of species hona chahiye, yahan pe tick kar lena, of species becomes nearly constant for few multiples of tau2, matlab ek ki half life 10^9 years hai, dusre ki half life 5 ghante hai, तो हो सकता है 20-25 घंटे बाद तुम्हें दिखे कि स्पीशीज 2 जो है ऑलमोस्ट अपने कांस्टेंट लेवल को मेंटेन कर रही है तुम्हारी लाइफ टाइम तक, ठीक है, 100 साल 200 साल जितने साल जियोगे, 10 और 9 ईयर तो पक्का नहीं जियोगे, ठीक है, उतने टाइम में तुम्हें क्या दिखेगा, 20-25 घंटे के बाद तुम्हें जिंदगी भर तुम्हें नियरली कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन दिखेगा स्पीशीज बी का, आई बात समझेंगे, ठीक है, ओके। सो दिस फिनोमेनन इज नोन एज सेक्युलर इक्विलिब्रियम, इसको सेक्युलर इक्विलिब्रियम कह देते हैं, ठीक है, जहां पे एक का लेवल जो कांस्टेंट दिखेगा वो आफ्टर फ्यू हाफ लाइफ ऑफ सेकंड स्पीशीज, राइट, ओके। एज एन एग्जांपल कंसीडर द रिएक्शन, स्ट्रॉन्शियम जो है मेरा, इसकी हाफ लाइफ है 28.8 ईयर्स, स्ट्रॉन्शियम 20,
और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये येट्रियम 90 में कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रॉन्शियम 90 जो है, और येट्रियम की जो हाफ लाइफ है दैट इज 2.7 डेज, कहाँ 28.8 ईयर्स और कहाँ पे 2.7 डेज, और फिर ये डिके करके जिरकोनियम 90 में कन्वर्ट हो रहा है जो कि स्टेबल है। ओके, तो दिख रहा है कितना ज्यादा डिफरेंस है हाफ लाइफ का, ये 29 ईयर्स है और ये 2.7 डेज है, अच्छा खासा डिफरेंस है ना हाफ लाइफ का। तो क्या देखोगे यहाँ पे, 2.7 डेज के चार पांच हाफ लाइफ ले लो, यानी 10-15 दिन या मैक्सिमम 2-3 हफ्ते ले लो, उसके बाद तुम्हें नियरली कॉन्स्टेंट दिखने लग जाएगा इसका कंसेंट्रेशन, ये मेरा क्लेम है। तो हेयर आफ्टर अ फ्यू डेज से अबाउट 3 वीक्स वी एक्सपेक्ट येट्रियम टू अटेन अ नियरली स्टेडी नंबर, ये ऑलमोस्ट एक स्टेडी नंबर हो जाएगा। एक्चुअल जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो तुम्हारा ग्राफ कैसा आता है, तुम लोगों का ऐसे ग्राफ आता है तुम्हारा, तो ये जो है तुम्हारा येट्रियम इनिशियली तो तुम्हारा 0 है ना, तो धीरे धीरे करके येट्रियम का नंबर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते फिर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू को अचीव कर गया, तो ये मेरा येट्रियम का ग्राफ है। अगर येट्रियम प्रोड्यूस नहीं हो रहा था तो ऐसे करके ऐसे ये ग्राफ दिखता मुझे, लेकिन येट्रियम प्रोड्यूस भी हो रहा है और डिके भी हो रहा है, ठीक है, इसलिए जो है मेरा येट्रियम का एक्युमुलेशन का ये ग्राफ तुम लोग देख सकते हो, करीब ये 12 दिन के बाद ही ऑलमोस्ट तुम्हें दिख रहा है ना, कॉन्स्टेंट सा दिख रहा है 12 दिन के बाद ही, और अगर और अच्छा कॉन्स्टेंट बनाना है तो ठीक है 16 दिन मान लो, इसका मतलब क्या 5-6 हाफ लाइफ के बाद नियरली कॉन्स्टेंट हो गया, राइट, समझ में सेक्युलर इक्विलिब्रियम के इस ग्राफ से। आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी जिसमें स्पीशीज बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, दिस इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द ग्राफ ड्रॉन अबव, हियर आफ्टर 14 डेज प्रैक्टिकली एक्टिविटी हैज बिकम कॉन्स्टेंट, यहाँ पे 14 डेज के बाद देख रहे हो एक्टिविटी कॉन्स्टेंट हो गई इसकी, ठीक है, ओके। इन सेक्युलर इक्विलिब्रियम सिंस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी इज सेम एज इट्स डिके रेट, अब बी का बी कॉन्स्टेंट है अगर तो बी के प्रोडक्शन का रेट और बी के डीके का रेट बराबर है इसका मतलब, राइट, ठीक है, द रेट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ टी इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ डीके ऑफ ए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि बी का लेवल कांस्टेंट है, जिस रेट से ए डीके हो रहा है उसी रेट से मेरा सी प्रोड्यूस हो रहा है, इसका ये मतलब है, इज इट नॉट, अभी तो बी कांस्टेंट है, ठीक है। दिस कैन बी इजिली अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एनालॉजी ऑफ 3 बैरल्स, तो मान लो ये एक बैरल है मेरे पास जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, इस बैरल से बैरल बी के अंदर पानी ट्रांसफर हो रहा है और बैरल बी से जो बैरल सी के अंदर पानी ट्रांसफर हो रहा है, लेट अस, ठीक है, ओके, सपोज वी आर फिलिंग बैरल सी बाय ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम बैरल ए थ्रू बैरल बी, इफ द देन इफ द डायमीटर ऑफ द आउटलेट ऑफ ए इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ बी, मान लो इसकी आउटलेट का जो डायमीटर है बहुत ही छोटा है और हाँ एज कंपेयर टू दैट ऑफ बी, और बी का जो डायमीटर है बहुत बड़ा है, समझ गए क्या क्या बात कर रहा हूँ, इसका आउटलेट बहुत ही धीरे धीरे ट्रिकल ट्रिकल करके इधर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये बहुत चौड़ा पाइप है इधर, तो प्रैक्टिकली क्या होगा, जिस रेट से यहाँ ट्रिकल करा उसी रेट से, यानी बॉटल नेक यही है, तो जिस रेट से यहाँ पे आएगा पानी प्रैक्टिकली उसी रेट से सी में इकट्ठा हो रहा होगा, राइट, और बी कुछ कॉन्स्टेंट लेवल कुछ मेंटेन कर रहा होगा, इधर से आया ड्रॉप यहाँ पे इसने ट्रांसफर कर दिया, इधर से आया ट्रांसफर कर दिया, बी के अंदर कॉन्स्टेंट लेवल मेंटेन होगा क्योंकि जितना भी आ रहा है प्रैक्टिकली फटाफट सी के अंदर चला जाएगा, इज इट नॉट, ठीक है, ओके, the rate of filling of C will be practically independent of the diameter of B and B will maintain a level just to balance its outflow and inflow. उस केस में क्या होगा? B के अंदर कुछ ऐसा लेवल मेंटेन होगा ताकि इनफ्लो और आउटफ्लो रेट बस बराबर हो सके, उस हिसाब से B का लेवल मेंटेन होगा और B का डायमीटर इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा जब जहां तक रेट ऑफ एक्युमुलेशन इन C इज कंसर्न, समझ में आई बात की नहीं, तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्युलर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लो, कहीं पे डाउट है तो मेरे को बोल दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट आइडिया, इसके ऊपर कई बार कई तरह के क्वेश्चन देखे मैंने, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ऑन द स्पॉट से पूछता नहीं कि क्या अप्रोक्सीमेशन कैसे लेने, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है, और डाउट है तो बोल दो, ओके, जैसा डाउट कि ये स्ट्रेट लाइन जैसा क्यों दिख रहा है, पहली बात ये स्केल जो दिखा रखा है ना ये यूनिफॉर्म स्केल नहीं है, देख सकते हो 2, 4, 6 अजीब सा दे रखा है ये स्केल जो है, तो इट्स अ स्ट्रेंज स्केल तो इसलिए ऐसा दिख रहा है, बट यहाँ पे की आइडिया जो नोटिस करना है कि ये कॉन्स्टेंट हो जा रहा है फ्यू हाफ लाइफ के बाद, ठीक है, ठीक है, तो आज यहीं पे हम लोग एंड करेंगे, अब अगली क्लास में क्या है एक और तरह का इक्विलिब्रियम होता है सीरीज रिएक्शन में, जिसको ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहाँ पे रेशियो कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ तो एब्सोल्यूट नंबर कांस्टेंट हो जाता है ना बी का, एक और तरह का इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे ए और बी का रेशियो कांस्टेंट हो जाता है, तो वो कब होता है वो उसको ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम कहते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कैसा होता है, उसके अलावा पैरेलल रिएक्शंस कैसे हैंडल करने, उसके बाद न्यूक्लियर फिशन और फिर न्यूक्लियर रिएक्टर और फ्यूजन रिएक्टर, ये सब ये सारी बातें अभी बची हुई हैं, तो ये आने वाली क्लासेस में हम सब ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है, ऑल राइट, सो ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।